नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खनन माफियाओं में चले धारदार हथियार, कई घायल। रतनपुरी थाना क्षेत्र के सठेड़ी गंग नहर के पास रेत खनन के दौरान मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे एवं फावड़े चले, जिसमें से 6 से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को खतौली CHC में भर्ती करवाया और मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार थाना रतनपुरी क्षेत्र के गाँव मोहमपुर माफी के ग्रामीण गाँव के बराबर के स्थित गंग नहर से ट्रैक्टर द्वारा रेत का खनन कर रहे थे। किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और अभद्रता के साथ देखते ही देखते फावड़े एवं डंडे चलने लगे, जिसमें से आमिर हमजा सरताज, अब्दुल करीम आसिफ, अशरफ हम्मान घायल हो गए, जबकि आमिर हजमा सरताज और अब्दुल करीम की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल घटना को लेकर गाँव में तनाव की आशंका बढ़ गई है। प्राइम न्यूज 24 से विशाल प्रजापति, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष हुआ है, मिट्टी खनन को लेकर फावड़े चले हैं, क्या है मामला? ये गांव लोढ़ा पड़ता है रतनपुरी के अंदर, वहाँ का झगड़ा है, नहर के में झगड़ा हुआ है। दो पक्षों में दो परिवार, एक गांव के लोग हैं, उनमें झगड़ा हुआ है। तो इसमें दोनों पक्षों की तरफ मुकदमे लिखा जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोग घायल है, विवाद क्या था सर? इसमें एसओ साहब मौजूद है मौके पर, अभी जानकारी की जा रही है। झगड़ा क्यों हुआ इसकी जानकारी कर रहे हैं। घायल कितने? घायल की जानकारी की जा रही है, अभी मौके पर हैं एसओ साहब, पुलिस मौके मौजूद है।